दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा ईस्ट दिल्ली की सबसे पुरानी चाप की दुकान, जिसकी चाप की दुकान पे 40 रुपये प्लेट थी सबसे पहले, आज वो 140 रुपये प्लेट है। तो इस हिसाब अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दुकान कितनी पुरानी थी। तो चलो दोस्तों आपको बिना टाइम वेस्ट करे मैं उसकी दुकान पे लेके चलता हूँ। मेरा नाम है भगत सिंह और मेरे चैनल का नाम है फूडी सिंह। खाता हूँ खाना इसलिए जाता हूँ जाना ठोको। तो हम पहुँच गए हैं प्रेम जी दिल्ली वाले के यहाँ। देखिए ये दुकान नंबर 763 है। इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर लैंडमार्क है झील गुरुद्वारा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, मैं आपको सीधा दिखाऊंगा चाप और लजीज लजीज खाना जो यहाँ का स्पेशल है प्रेम जी दिल्ली वाले का। गोपाल भाई आज क्या खिला रहे हो? आप मलाई चाप खाओ, चाप चाप खाओ या चारी चाप खाओ, सभी टेस्टी हैं। वैसे आप मलाई चाप बेटर है। मलाई चाप, तवा चाप, तवा कोरमा, कुरकुरी चाप, सब बेटर है। यार गोपाल भाई मैं तो बहुत टाइम से खा रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है चापें, मेरे पेट में हो रही है गुड़गुड़। अब बनाओ कुछ बढ़िया सी चाप। बिल्कुल आपके लिए मलाई चाप लगाएंगे, स्पेशल मलाई चाप बढ़िया वाली। ये हमारे गोपाल भाई हैं, पूरा यहाँ का शेफ वगैरह का सामान यही संभालते हैं, सारी चीज़ें मसाले से लेके मक्खन क्रीम सब चीज़ें। तो यार मैंने अपना ऑर्डर दे दिया भाई गोपाल भाई, जल्दी से मलाई चाप लगाओ, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। जितनी देर हमारा ऑर्डर तैयार होता है उतनी देर में हम ओनर से बात करते हैं। ये देखिए ये अमूल फ्रेश क्रीम भी आ चुकी है। तो यार आज यार मुझे यार एक चीज़ बताओ यार, ये आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? भाई लगभग ये 16-17 साल पुरानी है, पापा के टाइम पे। 16-17 साल पुरानी है। अच्छा, ईस्ट दिल्ली मैंने सुना है सबसे पहली दुकान चाप किसने स्टार्ट करी थी, तो आपके पापा ने कराई थी? आज से ठीक 15-16 साल पहले मेरे पापा ने ही स्टार्ट करा था। अच्छा, तो चाप को कोई जानता नहीं था, है वो होती क्या? तो प्रेम जी इन्हीं का ही नाम है आपके पापा का। तो हर्ष यार भले दुख के साथ पड़ रहा है, अंकल जी तो भी है नहीं, खैर वो थोड़ा सा करना पड़ता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। हर्ष यार मुझे पता यार ये अपना ये लोकेशन और तुमने चाप कहाँ कहाँ स्टार्ट कर दिया? सबसे पहले हमने ये झील चौक में लगाई थी, ताना स्टैंड के बाहर। अच्छा, जब हाफ 20 थी फुल 40 थी उसकी भी, अभी भी मेरे फ़ोन में गैलरी में सेव है, जब हाफ 20 थी फुल 40 थी, और अब चाप करे हाफ 80 या फुल 140 है। ये आप देख सकते हो लगभग कितनी पुरानी शॉप है। तो यार मैंने देखा था कि पहले ये रेडी पे थे तो लोगों को टेस्ट इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लोगों ने इनको इतना सपोर्ट करा कि यार टेस्ट के साथ साथ इनकी मेहनत भी बहुत थी। और यार देख सकते हैं हम कई रेस्टोरेंट में, आपको लग रहा होगा कि अच्छा सा रेस्टोरेंट में बैठे हूँ, यार यही कहना चाहूँगा बस। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ यार चाप एक बंदर कैसे रही है, आ जाओ। ये है गब्बर चाप, बहुत बढ़िया फ्लेवर के साथ, कोयले का फ्लेवर जो इतना अच्छा आता है ना इसके अंदर, मज़ा आ जाता है कोयले फ्लेवर के साथ साथ। और ये सब चाप, ये हाँ यही यही बिल्कुल यही। और ये है मलाई चाप, मलाई चाप देखो ना उसको, ये कबाब रोल, ये कबाब रोल अच्छे लग रहे हैं यार, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। यार गोपाल जल्दी बना दे चाप भाई, मेरा पेट तो मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल भी, पेट में भूख ज़्यादा हो चुका है मेरे, बहुत जगह आज मेरे पेट में यार, सारी चापें ट्राई करनी आज। तो यार ऐसा है अब यार हमारी चाप बनने की बारी आ चुकी है, ये चाप बन रही है हमारी गब्बर चाप। इधर आ भाई, इधर यहाँ से छोड़ ले, यहाँ से आ जाओ इधर आ। ओ अमूल फ्रेश क्रीम, वाह गोपाल यार मसाले वसाले एकदम बढ़िया करके रखे उसमें, अमूल बटर के साथ मस्त चाप है भाई यहाँ पर, ये गब्बर चाप एक नंबर। यार ये चाप तो मैं मिल गई, इसके साथ साथ प्याज चटनी मिलता है यार, गोपाल प्याज चटनी दे यार, प्याज चटनी बटर वाली, प्याज चटनी वो भी बटर वाली, स्पेशल प्याज है, स्पेशल प्याज बटर प्याज। यार मुझसे रहा नहीं जा रहा, यम यार यम, मज़ा आ गया। बटर प्याज चटनी भाई, चटनी चटनी यार, मेरे इतने हाथ नहीं है गोपाल, इस तरह का इस प्याज चटनी का मज़ा यार सबसे यार इतना है, प्याज चटनी का मज़ा यार। इधर आओ पास आओ मेरे, प्याज चटनी का मज़ा शराबियों के लिए ज़्यादा है, आ जाओ शराबी खा सकते हैं प्याज चटनी को, सबसे ज़्यादा अच्छी है, अच्छी बात यह है।
ये कीमा कीमा हो चुका है, देखो इसका कबाब बनेगा। ये जाएगा रुमाली में, ये मस्त गोपाल ने हिला दिया इसके अंदर, हमने मजा आएगा लग रहा है। ये गया रुमाली में भाई, बहुत बढ़िया फ्लेवर ऐसा लग रहा है यार, फ्लेवर अच्छा लग रहा है मेरे को। रोल में बेक कर दिया है, अब इसके बाद मक्खन लग रहा है, अमूल बटर, और ये ऐसा लग रहा है वुल्वरिन टाइप। ये सिकेगा उसके बाद मजा आएगा चाप खाने का, जो फ्लेवर आएगा कोई लेगा मस्त एकदम जबरदस्त। ये डाला इन्होंने धनिया और ये गई क्रीम, वाह यार बहुत डिलीशियस लग रही है। बस यार मैं बताता हूँ आपको, ये दही कबाब, गब्बर चाप, कीमा कबाब, और ये मेरा फेवरेट है यार ये। अबे रवि का कैमरा मैन क्या यार, ये देख ये हमारी मस्त चाप है, मलाई चाप, मलाई चाप खाएंगे आज हम। यम यार यम यार, वैसे मेरे कैमरामैन को भी भूख लग रही है, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे चाप खा रहा हूँ, अपने कैमरामैन को भी खिला रहा हूँ साथ में, डिलीशियस खाने की और बात करूँगा मैं एकदम। यार मैं चाप खा चुका हूँ, मुझे मेरा पेट हो गया फुल, जितने भी चूहे थे ना सारे भगा दिए मैंने अपने पेट से, खा खा के थक गए हो गई। तो यार हर्ष बता यार क्या लगा तुझे मेरा, मैंने खाया ये कैसे लगा यार, मैं इतना सब कुछ खा लिया, बहुत अच्छा लगा कि हमने खाया वो भी हमारी दुकान का। कैसे लगा तुम खड़ा गया है? अच्छा यार एक बात है यार, ये छोटी सी की यहाँ पे ना कढ़ाई चाप है बहुत बढ़िया डिलीशियस, वो मेरा पेट बहुत बढ़िया है, तवा चाप के नाम से मशहूर है, तवा चाप के नाम से। सॉरी यार गलती हो जाती है, कभी इंसान से होती है, मैं भी एक इंसान ही यार, क्या हो गया। जो तवा चाप है ना इनकी जबरदस्त है एकदम, मैंने आपको दिखाई है वीडियो में, आपको शॉर्ट भी दिखाऊंगा उसका। वो लोग आप मेरे नाम से यहाँ पर आओगे, मेरा नाम भगत सिंह है, इसका नाम हर्ष है, डायरेक्ट इसके पास आना, ये आपको दो रुमाली फ्री देगा मेरी तरफ से। इनकी चैनल जब लाइक और सब्सक्राइब करोगे आप तभी मिलेगी दो रुमाली। हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल जरूर।